फिल्मों का दौर चल रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने बॉक्स ऑफिस में गदर मचा रखा था। वैसे ही रुस्लान भी ऐसा ही धमाल मचाने के लिए तैयारियां कर रहा था। और जैसा कि ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो आपको बता दें इस फिल्म का रिस्पॉन्स आखिरकार है कैसा। आपको मालूम होगा आयुष शर्मा इससे पहले दो फिल्मों में नजर आ चुके हैं, पहली लव यात्रा जो कि 2 करोड़ 1 दिन में कमाने में सक्षम रही, तो वही दूसरी फिल्म थी अंतिम जिसने 1 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। तो वहीं आज हम अगर बात करें रुस्लान की, तो रुस्लान का क्रेज उस तरह से पहले दिन बिल्कुल भी नजर नहीं आया। रुस्लान ने पहले दिन का कलेक्शन सिर्फ 50 लाख ही कमाए हैं, जो कि दोनों फिल्मों के कंपैरिजन बहुत ही कम है। और माना जा सकता है इस वक्त आईपीएल का दौर भी चल रहा है और साथ ही लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, ज्यादातर लोग मतदान में बिजी हैं और ऐसे में रुस्लान को उतना टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। और जो टाइम इन्होंने चुना है, आयुष शर्मा की फिल्म का रिलीज होने का टाइम भी बहुत ही बेकार टाइम है, क्योंकि इस टाइम जितनी भी फिल्म रिलीज हो रही है वो कलेक्शन के मामले में 0 ही साबित हो रही है। आयुष शर्मा की फिल्म रुस्लान इतनी भी बुरी नहीं है जितना कि इसको दिखाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल एक्शन थ्रिलर फिल्मों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो वैसे ही एक्शन थ्रिलर फिल्म है आयुष शर्मा की रुस्लान। और रुस्लान को देखने वालों की संख्या इस वक्त इसलिए भी कम है क्योंकि इस वक्त लोगों में सिर्फ आईपीएल और लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा बिजी होना कहलाता है। सलमान खान ने भले ही इस फिल्म को बहुत ही प्रमोट किया हो, लेकिन आयुष शर्मा को इस डेट पर इस फिल्म को रिलीज करने से पहले 10 बार सोचना भी चाहिए था, या यूं कहें इनके फिल्म मेकर्स को 10 बार सोचना चाहिए था, और इस वजह से भी कलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बड़े मियां छोटे मियां का कलेक्शन ज्यादा नहीं रहा है, और ऐसी कई फिल्में, क्रू की बात करें या फिर इस वक्त फिल्म शैतान की बात करें, जितनी भी फिल्में आई है वे कलेक्शंस के मामले में थोड़ी धीमी हैं। जो हाल ही फिलहाल में एक्टर बने हैं और माना जा सकता है वो एक्टर्स की फिल्में ज्यादातर लोग कम ही देखते हैं, जो लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं उनका ये भी मानना होता है और उनकी ज्यादातर धारणा ये भी होती है, जो पुराने एक्टर्स हैं वो अच्छी फिल्में चूज करते हैं और उनके पास अच्छी बड़ी बजट की फिल्म होती है तो उस फिल्म में ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए लोग ऑप्ट करते हैं कि ज्यादातर बड़े एक्टर्स को ही देखना। ऐसे में आयुष शर्मा से सलमान खान का टैग लेकर आगे बढ़े हैं, और अगर सलमान खान के साथ टैग लेकर बढ़ने वाले ये एक्टर भी अगर इतना नहीं चल रहे हैं, तो सोचने वाली बात तो जरूर है कि आयुष का आगे क्या होने वाला है। वेल, आप बताइए, क्या आप आयुष शर्मा को पसंद करते हैं या फिर सलमान खान के बहनोई के नाम से आप इन्हें जानते हैं इसलिए इस फिल्म को थोड़ा बहुत देखना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, बाय बाय एंड टेक केयर।